पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव नया नहीं है। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं मिलता जिस पर दोनों की एक राय हो। हर मुद्दे पर दोनों के विचार अलग अलग होते हैं और इन पर खुलकर बयानबाजी भी होती है। राज्यपाल अपनी पसंद और नापसंद का खुलकर इजहार करते हैं तो ममता सरकार के मंत्री भी राज्यपाल पर निशाना साधने से नहीं चूकते। और अब ममता सरकार ने राज्यपाल की ताकत को कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो क्या है मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ आमने सामने आ गए हैं और इस बार मामला है विश्वविद्यालय के चांसलर पद का। राज्यपाल विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं और अब ममता सरकार ने उन्हें इस पद से हटाने की तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालयों में उप कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकशी की खबरें सामने आई थी। इस मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल की राज्य यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल की जगह सीएम को चांसलर बनाने की तैयारी कर ली गई है। बंगाल कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बासु ने बताया कि इस बारे में जल्द ही विधानसभा में बिल लाया जाएगा। बासु ने दावा किया कि विधानसभा में बिल पास होने के बाद राज्यपाल विश्वविद्यालयों के चांसलर नहीं रहेंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इसे मनमाना फैसला बताया है और पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बिल का वो विधानसभा में विरोध करेगी। वैसे पश्चिम बंगाल कोई पहला राज्य नहीं है जो इस तरह का विधेयक सदन में लाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले तमिलनाडु की स्टालिन सरकार भी इसी तरह का बिल विधानसभा में पास करा चुकी है जिसमें राज्यपाल की जगह सीएम को विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने का प्रस्ताव था। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में विश्वविद्यालय का चांसलर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होता है और टीएमसी का कहना है कि जब दूसरे राज्यों में सीएम के पास ये अधिकार हो सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।